हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग लेसन टू, ग्लोब लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स ऑफ ज्योग्राफी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 13। द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridians which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 east and 180 west meridians are on the same line. Now look at the grid of the parallels of latitudes and meridians of longitudes on the globe. Figure 2.6 here. Okay. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper like this. Okay, label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D, and E. Let vertical lines represent east longitudes and horizontal lines as north longitudes, latitudes. Now you will see that circle A is located on B and B north latitude and I east longitude. 1 degree east longitude. Find out the location of other circles. Okay. तो यहाँ बताया जा रहा है, कल हमने बात की थी कि जो लॉन्गिट्यूड्स वाली जो लाइन होती हैं उनको हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको क्या कहा गया है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की जो ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है उनको कहा जाता है डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। प्रत्येक डिग्री जो होती है वो मिनट में डिवाइड होती है और जो मिनट्स होते हैं वो सेकेंड्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल हैं, जिस तरह लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स इक्वेटर के बाद से ऊपर की तरफ जब नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं या साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो इनका जो साइज है वो डिक्रीज होता चलता है ना, तो ऐसे ही लॉन्गिट्यूड में भी ये जो वर्टिकली सर्कल होते हैं ऐसे, ठीक है, खड़े खड़े ये जो ऐसे दिख रहे हैं आपको, ऐसे जो सर्कल होते हैं तो इनमें भी साइड वाला जो ये सारा एरिया होता है इनका भी क्या होता है, डिस्टेंस इनका भी साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। और पोल पर जो है ये जाकर कितने डिग्री पर हो जाते हैं, 0 degree पर हो जाते हैं, ठीक है, जहां पर सारे मेरिडियंस जाकर मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी लाइंस जो वर्टिकली लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सारी क्या है, मेरिडियंस है, और यहां जाकर ये मिलती हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखें जैसे पैरेलल्स होती हैं, लैटिट्यूड भी क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं, इसी तरह जो मेरिडियंस होते हैं, मेरिडियंस भी इनकी जो लेंथ होती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है ना, इनकी लेंथ भी इक्वल होती है, ठीक है। इसीलिए मेरिडियंस का जो नंबर है वो फाइंड करना जो है क्या है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है, फाइंड करना या मतलब इनको नंबरिंग देना जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। सारी जो कंट्रीज है वो काउंट करती है कहां से, मेरिडियन से स्टार्ट करती है, ठीक है।
मेरिडियंस से काउंट करना ये लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो जाकर कहां पर, ग्रीनविच पर, ग्रीनविच से गुजरते हैं, ठीक है, जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है दिखाई पड़ती है। ओके, तो ये जो मेरिडियन है ये क्या कहलाता है, प्राइम मेरिडियन कहलाता है। और प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है ना, और इसको 180 डिग्री ईस्टवार्ड काउंट करते हैं या 180 डिग्री वेस्टवार्ड काउंट करते हैं, ठीक है। तो जो प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री मेरिडियन है ये क्या करते हैं, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इक्वली मतलब आधा आधा कर देते हैं, ठीक है, क्या क्या, प्राइम मेरिडियन और 180 मेरिडियन जो होते हैं वो अर्थ को 2 इक्वल हाल्व में, हाल्व मींस क्या होता है, आधा करना, भाग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वेटर जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही ये जो प्राइम मेरिडियन है वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्राइम मेरिडियन जो है अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम ईस्ट हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड में ईस्ट को ई से दर्शाया जाता है, ये देख सकते हैं आप, ये ई लिखा हुआ है, जैसे नॉर्थ को एन से करते थे और वैसे ही वेस्ट को डब्ल्यू से किया जाता है, ठीक है। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन कहलाते हैं ये, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, ओके, इनमें भी लाइन सेम होती है। अब यहाँ पर आप ग्रिड देखें, ये देखिए ऐसे ग्रिड बने हुए हैं, ग्रिड मतलब ये बॉक्स बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर देखें ग्रिड्स जो हैं पैरेलल हैं लैटिट्यूड्स के, ये ठीक है, और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इसमें क्या है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है और पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, ग्लोब में। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को इजिली लोकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आसाम धुबरी का, है ना, जो कि 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पर है, लॉन्गिट्यूड पर है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ओके, तो एंड तो हम कैसे दिखाएंगे उसको, हमको वो पॉइंट यहां फाइंड करना होगा जहां पर ये दोनों जो लाइन है वो क्या हो रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कट कर रही होंगी, 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट, ओके, ईस्ट, है ना, तो द पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी, तो वो जो पॉइंट होगा वो धुबरी का लोकेशन होगा, ठीक है। अब इसको आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर एक पेपर बनाया गया है, देखें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस का, क्योंकि यही है ना, वर्टिकली लाइन आपकी क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, लैटिट्यूड्स है, ठीक है। ये बनाकर इसमें आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स रख सकते हैं, है ना, पॉइंट्स के नाम दे सकते हैं और उसके बाद अपना प्लेस लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टुमारो।